व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि टाइम सबको पता होगा, समय, तो समय से हम एक बहुत बड़ी सीख ये ले सकते हैं कि आप सभी को पता है एज वी ऑल नो कि टाइम इज वेरी प्रेशियस वैल्यूएबल. ओके, सो टाइम को अगर आप वेस्ट करोगे ना तो टाइम आपको आने वाले समय में आपको वेस्ट कर देगा. तो बहुत टिट फॉर टैट वाला हिसाब है कि अगर टाइम को आप वेस्ट करोगे टाइम एब्सोल्युटली आपको वेस्ट करेगा. ओके, तो जैसे अगर आप कोई भी टास्क है, कोई भी अपना एक्टिविटीज, उसको आप पर डे डेली अब आगे बढ़ाते चले जाओ कि नहीं कल करें तो टुमोरो नेवर्स कम. वी ऑल नो कि टुमोरो नेवर्स कम. सो आज का अभी रन है. सो आप क्या करो, टाइम को वैल्यू दे रो तो टाइम भी आपको वैल्यू देगा, वो सक्सेस कहीं ना कहीं आपको मिलेगी. तो ये एक सीख हम ले सकते हैं टाइम से. टाइम के साथ साथ चलना है, ये नहीं कि टाइम हमसे आगे चला जाए तो हम तो पीछे रह जाएंगे ना भाई. सो टाइम के साथ साथ चलना सीखना होगा. सो इस चीज़ को समझिए कि टाइम जो है वो वापस लौट के नहीं आता, राइट. सो टाइम को उतना ही वैल्यू दीजिए, उतना ही महत्व दीजिए जितना टाइम आपको दे रहा है. सुना होगा आपने किसी को कहते हुए कि आज तुम्हारा टाइम है भाई, उड़ लो, तो कल मेरा टाइम होगा. तो वो टाइम के साथ साथ चलना हमें सीखना होगा, राइट. सो टाइम की वैल्यू करिए और टाइम के साथ चलिए, वरना टाइम जो है बर्बाद कर देता है सब. सो इफ यू वेस्ट टाइम देन टाइम विल श्योरली वेस्ट यू. तो इस बात को ध्यान में रखना है, टाइम के साथ चलना है हमें. और ये सीख हम एक यूनिवर्स की सबसे बड़ी सीख हम ये ले सकते हैं टाइम से कि टाइम के साथ साथ चलना हमें सीखना होगा. अगर आप टाइम को वैल्यू दोगे तो टाइम भी आपको वैल्यू देगा और कहीं ना कहीं ये वैल्यू आपको एक सक्सेस के तौर पे मिलेगी जब आने वाले समय में.